बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। दिस इज़ 23rd लेक्चर ऑफ योर प्रोग्रेसिव इंग्लिश यूनिट 5 साइट्स एंड साउंड्स। टुडे आर टॉपिक्स आर सेंसेस, ऑटोबायोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन पंपलेट। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 98। हेयर इज यूनिट 5 साइट्स एंड साउंड्स। द सेंसेस, वी हैव 5 सेंसेस। स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ द 5 सेंसेस डैट वी हैव? यस, दे आर हियरिंग, साइट, स्मेल, टेस्ट एंड टच। चूज द वर्ब्स एंड नाउन्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। दिस वन मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो। इन सम केसेस यू कैन यूज मोर देन वन नाउन। दीज आर नाउन्स एंड वर्ब्स। नाउन इज टू हियर, टू हियर ईयर्स, टू सी आइज, टू स्मेल नोज, टू टेस्ट टंग, एंड टू टच फिंगर्स। Here are fill in the blanks on page number 91. Words are given. You have select from the list words for fill in the blanks. First blanks is in the street I heard dash. Here you have to write a baby crying. Second is in the sky he sees a dash falling star. Now come on page number 99. Third one is in the kitchen they smell dash. Here you have to write bread baking. In the soup we taste chili. Here you have to write chili. On the form you touched a dash blow. Here you have to write blow. Students, you have to learn the 5 senses and fill in the blanks that are on page number 98 and 99. Now move on our next topic, that is autobiography, on page number 99. The sounds of the sea. The sound of the sea in a biography. A writer written about someone else's life. Someone else life biography में जो एक writer है किसी और की life के बारे में, जिंदगी के बारे में लिखता है। Autobiography is writing about one own life and memories. Autobiography जो है ये अपनी life और याददाश्त के बारे में लिखी जाती है। इसमें writer ने जो है किसी और के बारे में लिखा है। Let's see what is this. The text below is taken from the autobiography of Ved Mehta. ये जो text है Ved Mehta से ली गई है, ऑटोबायोग्राफी है। वेड मेहता इज नाउ एन अमेरिकन सिटीजन। ये अब अमेरिकन सिटीजन है, बट ही वॉज बॉर्न इन लाहौर इन 1936। एट द एज ऑफ 3 ही कंट्रैक्टेड मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मीन स्टूडेंट्स, उर्दू मीन्स गर्दन तोड़ बुखार। यानी थ्री ईयर्स की एज में उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ था। अ सीरियस इलनेस, जो एक सीरियस बीमारी है, विच लेफ्ट हिम टोटली ब्लाइंड, जिससे वो टोटली ब्लाइंड हो गया था इस गर्दन तोड़ बुखार से। हिज फादर हु वॉज अ डॉक्टर, उसका फादर एक डॉक्टर था, वॉन्टेड हिज लिटल बॉय टू इंडिपेंडेंट एंड एजुकेटेड डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस। उसका जो फादर थे वो एक डॉक्टर थे, और वो बजाय इसके कि वो मायूस हो, वो उसको ब्लाइंडनेस के बावजूद वो उसको एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। फॉर दिस रीज़न, तो इस रीज़न के लिए जस्ट बिफोर वेडी फिफ्थ बर्थडे, सिर्फ उसकी फिफ्थ बर्थडे पे हिज फादर सेंट हिम अवे टू अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसे अपने से दूर एक ब्लाइंड स्कूल में भेज दिया था। दिस टेक्स्ट डिस्क्राइब्स वेडी मेमोरी ऑफ एक्सपीरियंसिंग द सी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन अ स्कूल ट्रिप। वेडी कुड नॉट सी द सी, बट ही कुड स्मेल इट एंड फील इट्स टच। वेडी जो था पहले अपने ब्लाइंड स्कूल में, इसका ये फर्स्ट ट्रिप था, उसके बारे में जो है ये टेक्स्ट डिस्क्राइब कर रही उसका क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो देख तो नहीं सकता था, वो स्मेल और फील टच कर सकता था। उसके ज़रिए उसने ये अपना इंजॉय किया था। नाउ कम ऑन पैराग्राफ 1। एट जूयू बीच आई हर्ड अ साउंड आई हैड नेवर हर्ड बिफोर। एक ऐसी साउंड जिस बीच पे सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आ जाए अगेन इट मीन बहुत बड़ा। रोअर मीन गरजदार, यानी ऐसी बहुत बड़ी गरजदार आवाज़ सुनी थी। अल्टरनेटिंग विद द साउंड ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रशिंग आउट, जो ह्यूज वाटर ऑफ जो बड़ा पानी जो था समंदर का, वो उसकी आवाज़ उसने सुनी। द साउंड वॉज वेरी डिफरेंट फ्राम
महम सी बीच से रिसोंट बहुत डिफरेंट थी, विच वॉज क्वाइट लाइक अ कैनाल इन लाहौर, जिस तरह थी जो कैनाल लाहौर में नहर है, इट वॉज एक्चुअली एन इनलेट, इनलेट मिट छोटी खाड़ी। आई वॉन्टेड टू रन टूवर्ड्स द साउंड, मैंने यानी वो साउंड की तरफ रन करना चाहता था, भागना चाहता था, एंड टच इट और उसको टच करना चाहता था, टू फील और फील करना चाहता था वट इज़ वट इट वॉज रियली लाइक, वो किस तरह रैली में दिखाई देती है। बट द साइट मास्टर हर्डेड अस बॉयस इन टू दी बॉयस शॉक, शॉक मीन हर्ट, ही गेव अस ईच अ पेयर ऑफ बाथिंग ड्राइवर्स, बाथिंग ड्राइवर्स एंड वी गॉट इन टू दैम। बाथिंग ड्राइवर्स मीन ट्रंक्स आर शॉर्ट्स वन फॉर स्विमिंग। नो कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100। नो यू कैन डू वट यू लाइक, उसने कहा, उसने आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। द साइट मास्टर सेट बट डोंट बी बियॉन्ड द रोप इन द वाटर। पैराग्राफ टू, आई हेसिटेटेड फॉर अ मोमेंट वंडरिंग हाउ एम्ड द रोर एंड रश आई वुड हर हियर द साइटेड मास्टर रिंगिंग द बेल ऑन द अदर साइड ऑफ द रोप, यानी दूसरी साइड पे साइड मास्टर जो था वो रिंग बेल बजा रहा था, बट द पार्शली साइटेड बॉयज स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड द रोर एंड द रश, रोर और जहाँ पे गिरादार आवाज़ और रश था उसकी तरफ लड़कों ने भागना शुरू कर दिया। कॉलिंग बैक अब्दुल रूबेन एंड वेडी, देयर इज नथिंग इन द वे यू कैन रन टू। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ, I ran towards the roar and the rush. The air smelled of salt and account. There was hot, grainy, dry ground underfoot. यानी वहाँ पे जो था बहुत गर्म, ग्रेनी और ड्राई ग्राउंड था अंडर फुट पाँव के नीचे। It was so hot that I could scarcely bear to put my feet on it. So I had to run fast and could not stop to examine it. Suddenly I was in the water being carried out. It closed over my head. I forgot everything. I felt I had never been so happy. Yani itna main pehle kabhi nahi happy hua tha. I jolt. A jolt mean push. A jolt opened my mouth. I was rapidly swallowing water that taste of tears, यानी tear bucks of them, यानी उसका taste जो था वो आंसुओं की तरह था, salty था। I was flung back and choking again. The water closed. She could take me all the way to the Punjab. Then I came up against the rope as thick as the one we used for tongue of war. And heard the sighted master calling to me that for enough, come back, you will drown. Now come on last paragraph. We spent the day bathing in the water and running around on the new ground. I could not get over the way it shifted around. Almost like the water, we could go into the water as often as we liked. And when we run, we just had to keep the sounds of the oceans to our left or right, depending on which way we were facing. This the school compound and the racing track suddenly shrank in my mind like a woolen sock. Mama ji had knitted mean bunna for me, which became so small after it was washed that I could scarcely get my hand in it. Similes. Our next topic is similes that are on page number 101. Definition of the simile is a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kinds, used to make a descriptions more emphatic or vivid. For example, as brave as a lion. यानी simile जो है ये use की जाती है comparison two things का comparison करने के लिए. As brave as a lion, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है कि as brave इतना बहादुर जिस तरह के लाइन। A simile is an interesting comparison which compares two different
things, although we two two things are, although the two things are different, there is some point of similes similarity between them. A simile is introduced by the words like or as. Simile jo hai words hain like or as. Examples is the sea made a gigantic roar like a lion. Students, here is misspelling word. This word is interesting. You have to correct it. This one word is interesting. Next example is the sea water tasted like tears. Paddy was as excited as a puppy when he ran towards the sea.